अब्दुल बशीर फ्रॉम एनडी यूनिवर्सिटी। अभी रिसेंटली मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सो व्हाट इज इन योर माइंड व्हाइल यू आर गोइंग टू लर्न दिस स्किल? इंस्पिरेशन होती है, ऑब्जेक्टिव सर होता है? सर जैसे अभी मैं फ्रेश था ना बिल्कुल, तो जॉब नहीं कर रहा था मैं अभी, तो फेसबुक यूज़ करते करते आपकी पोस्ट आई मेरे पास, तो उसमें आपने प्लानिंग के बारे में और इसके बारे में सब अच्छे से बताया। तो मेरा माइंड जो है वो सऊदी सऊदीया जाने का है ना, जॉब के हवाले से। तो आपने उस वीडियो में बताया कि बाहर यूएई साइड और सऊदीया साइड पे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है जॉब के हवाले से, तो मैंने बोला फारिग बैठने से अच्छा है कि इसको सीख लिया जाए। ठीक है, ओके, दैट्स फाइन। ओके अब्दुल बशीर, वेलकम इन दिस सेशन एंड आई होप यू गॉट ऑन द राइट प्लेस विद राइट स्किल रिक्वायरमेंट के। बाकी अगर आप बात करें, इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग विद यू मोर इनसाइट्स हाउ यू कैन गो इनटू द डिटेल्स के किस तरीके से बाकी अभी जॉब हंटिंग करनी है, जॉब इंटरव्यूज को अलोंग विद दिस सेशन इंशाल्लाह। सो वेलकम नेक्स्ट अब्दुल राउफ, प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप अपना माइक ओपन कर लें, बाकी लोग ऑफ कर लें। अब्दुल राउफ, आपकी आवाज मुझे अभी तक नहीं आ रही। सलाम अलैकुम, अब्दुल रऊफ जी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अब्दुल राउफ, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्ला सर, आप कैसे हैं? बेहतरीन, शुक्र अल्लाह। तो क्या क्या मैं कर रहे हैं अभी आजकल? सर 3 साल पहले जो मैंने 3 साल मेरा एज अ साइट इंजीनियर एक्सपीरियंस है, उसके बाद अभी लास्ट ईयर ही हुआ है मैं एज अ प्लानिंग इंजीनियर जो है इस फील्ड में मूव किया हूँ। लेकिन हमारा जो है ना ज्यादातर इधर जो है ना एक्सेल पे काम चलता है, तो मैं देखा प्लानिंग में ज्यादा जो स्कोप है प्राइम में भी रहेगा, तो मैं अपनी तरफ से काफी इस पर रिसर्च की है यूट्यूब पे ट्यूटोरियल से, तो काफी हद तक मैंने इसका नॉलेज ले लिया हुआ है। तो फिर भी मुझे मतलब कुछ ऐसा महसूस होता है कि मुझे एक ना प्रॉपर ट्रेनर किसी की जरूरत है कि ट्रेनिंग कि किस तरह इसको लेके चलना है, तो ठीक है, उसके लिए जो है ना यानी कि मैंने आप काफी प्रॉपर रिसर्च। सर्च करके आए हुए। ठीक है अब्दुल राउफ, वेलकम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट के इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से इसको समझें सीखें बिल्कुल सर, और इंशाल्लाह इधर से हम फुली प्रिपेयर्ड होके निकलेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके जी ओके, इसके साथ साथ अगले जो हमारे साथ हैं, जो मुझे नजर जिसपे भी नजर आ जाती है, नजर पड़ जाती है, मुहद्दिस मुहद्दिस प्लीज। यस सर, हाउ आर यू? फाइन? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बारे में बताइए। I'm fine as well. I have been working at in Saudi Arabia at Aramco Projects as a construction हैं engineer. कहां से? ओके I'm from Lahore, Pakistan. ओके ओके Yeah, and I'm a mechanical engineer as well as I have just completed MBA degree in project management. And I'm attending this course because I want to hone my skills regarding management and to be promoted as project engineer. So that's why it will help me a lot. सो विच थिंग इंस्पायर्ड यू, कहां से इंफॉर्मेशन मिली? एमबीए भी कर लिया है, वो काफी था, तो इस चीज के बारे में कहां से इंस्पिरेशन मिली कि यार ये चीज करते हैं? Actually, sir, I have been with you from like 1 year or 2 year, but अच्छा, because of many like मेरे busy साथ कैसे routine. थे? मुझे नहीं पता आपका। Actually, I came across your social media, like from there I got फॉलोइंग। inspiration. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, सलाम। मैं सिविल इंजीनियर हूँ फ्रॉम फास्ट लाहौर, और लाहौर से ही हूँ, और 1 साल हो गया ग्रेजुएट हुए हो, तब से मैं यूएस एस्टिमेशन की जॉब कर रहा हूँ। अब मेरा प्लान है नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा भी जाने का, तो उसके लिए मुझे स्किल्स चाहिए, ब्रेविट वगैरह सीखना है, बीएन सीखना है, और टाइम वगैरह सीखना, ताकि जाके जॉब हंटिंग में आसानी हो। ऑस्ट्रेलिया में जाना वैसे मैंने। तो ये कहाँ से पता चला कि मैं तो खैर आपको बताऊंगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाना है तो और मतलब कहाँ से पता चला यार ये चीज ठीक है, वहां पे है स्किल? ऑस्ट्रेलिया में जो दोस्त गए हुए हैं उन्होंने यही कहा कि जॉब अगर ढूंढनी है जरा, क्योंकि मेरा जो वीजा होगा ना 476 होगा, सिर्फ 18 महीने होगा, मैंने उसमें जॉब अर्निंग करनी है, तो उन्होंने यही कहा जल्दी जॉब ढूंढनी है तो आप बीआईएम के सारे कोर्सेज, स्केचअप, ऑटोकैड वगैरह, ये प्राइमावेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है प्राइमावेरा, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ। चले, तो दैट्स गुड। ठीक है अब्दुल्ला फैसल, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। एंड वेलकम नेक्स्ट प्लीज अली अरसलान। क्या जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अली अरसलान है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ बेसिकली। आई एम फ्रॉम अटक और प्रेजेंटली मैं एज अ सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंट जॉब कर रहा हूँ ओजीडीसीएल में।
और मेरी इंस्पिरेशन इस कोर्स को करने के हवाले से ये थी कि ऑपरेशन मेंटेनेंस में तो हम लोग रहते ही हैं, लेकिन जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और उसके जो बेसिक्स और बाकी चीज़ें हैं ना, वो उनके हवाले से मैं लर्न करना चाह रहा था। और ये प्राइमावेरा के थ्रू हो, जिस तरह मैं अभी ना गल्फ में जॉब भी सर्च कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ज़्यादातर जॉब ईपीसीसी और प्रोजेक्ट के हवाले से आती हैं, तो उसके लिए मैं ये स्किल सीखना चाह रहा था। ठीक है गुड हो गया, सही है जी। ओके बहुत क्लियर भी है ना आपका, एंड पूछने की जरूरत नहीं, आप भी रिसर्च करके आए हुए हैं। आमिर नजीर, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी के आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं और क्यों प्राइमरी बेसिक सीखना चाहते हैं? जी आमिर। सर, ओके मेरे ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में इन 2020, तो ओके उसके बाद से मैं जो है ना पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी में लगा था, तो एक सेक्टर में काम किया था एज साइट इंजीनियर, ठीक है फिर बीच में वो स्किप करके अभी सोच रहा हूँ कि गल्फ साइड मूव कर लूँ ना बुलेट वीजा पे। तो उससे पहले जो है ना मैंने काफी रिसर्च की कि बाहर जाने से पहले जो है ना क्या क्या इनिशिएटिव लेके मैं जाऊं। तो सर सोशल मीडिया के थ्रू आपको प्लेटफॉर्म मुझे मिला था, फिर आपके मैंने डेमो क्लास भी एक दो लिए थे इससे पहले भी। ओके तो फिर मैंने सोचा कि जिस तरह आपने जो फायदे बताए ना प्लानिंग इंजीनियर के, कि वाइट कोट जॉब होती है, ऑफिस वाली जॉब होती है, तो मेरी प्रेफरेंस शुरू से भी इसी तरह थी, क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट भी था कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। तो ओके उसी के भी आप जो है ना, फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा कि मैं ये स्किल सीख के जो है ना फिर अपने प्रोफाइल थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके फिर मूव कर लूँ इंशाल्लाह। ओके दैट्स वंडरफुल आमिर, वेलकम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड नेक्स्ट प्लीज हमजा कुरैशी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कहाँ से हैं, क्या करते हैं और क्यों सीख? अस्सलाम वालेकुम जी अब आ रही है। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम हमजा कुरैशी है सर। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ 2019 में। ओके आफ्टर देन मैंने 1 साल जॉब की थी एक प्राइवेट कंपनी में लाहौर में, ठीक वन है ईयर ओके के लिए। तो जो के जिनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट था, उसका एक्सटेंशन था, ठीक उस पर है मैंने जॉब की। 1 साल आइडिया हो गया था कि साइट की जॉब मैंने बहुत ज़्यादा टफ थी, यानी कि गर्मी में, धूप में, डस्ट में जो है सारे सारा दिन पूरी तरह जरीर होना होता था। उसके बाद सर प्लान किया कि फिर मास्टर्स कर लिया जाए। मैंने MS इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की लाहौर से 21 to 23, जो मेरी अपनी इंडस्ट्री से मुझे एक जॉब ऑफर हो गई थी लेक्चरर की, तो वो लेक्चरर की जॉब भी मैं कर रहा था अंटिल देन। इस मंथ तक अभी मैंने नोटिस पीरियड दे दिया हुआ यूनिवर्सिटी को। मैंने 2 वीक से तकरीबन जॉब हंटिंग कर रहा था ऑनलाइन, लिंक्डइन के ऊपर और इंडीड के ऊपर UAE में। तो जो भी जॉब मैं ओपन कर रहा था उसमें एक ही उनकी रिक्वायरमेंट थी हर जॉब के अंदर, द इंजीनियर शुड हैव मेक द प्रोजेक्ट कैजुअल, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ETC। तो अंदाजा हो गया कि क्या नीड है, क्या स्किल्स लेके जाने चाहिए। तो उसके बाद आपका प्लेटफॉर्म मैंने गूगल पे सर्च किया, तो सबसे पहले आपका प्लेटफॉर्म शो हुआ मुझे इस चीज के लिए। ओके थैंक ये मेरा मकसद था जी कोर्स यू लेने का। हमजा, थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे कि ये चीजें होनी चाहिए साइट पे, मसले बिल्कुल ये बड़े चैलेंजेस होते हैं। मैंने अपनी अक्सर वीडियोस के अंदर ये एक बड़ा पेन पेन वाला पॉइंट है कि साइट के ऊपर रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है अगर आपकी जॉब है लेकिन फॉर नॉट लॉन्ग टाइम के यार आप साइट पे ही है बस, तो थोड़ा अरसा रहो उसके बाद अपग्रेड करने की कोशिश करो। स्किल्स आर द ओनली थिंग्स जो आप सब सीख कर अपने आप को वैल्यूएबल प्रोफाइल के अंदर लेके जाते हो जॉब कैरियर के अंदर। सो नेक्स्ट प्लीज फाहद बिन अमजद, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी कहाँ से है फाहद आप? अस्सलाम वालेकुम सर। और इस्लाम सर माई सेल्फ फहद बिन अमजद, BS मैकेनिकल फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। सर करंटली मैं ऑयल एंड गैस में एग्जीक्यूशन में काम कर रहा हूँ, तो सर मैं प्लानिंग में जाना चाहता हूँ फर्दर। यानी कि प्लानिंग फील्ड में, ठीक है सही है। तो कहाँ से पता चला कि प्लानिंग में अगर जाना है तो रेफरेंस की बजाय स्किल्स भी, तो फिर स्किल्स की तरफ आप आए तो क्या माइंड में क्या है? सर इस तरह तक सर उधर मैं एग्जीक्यूशन में काम करता था, तो सर प्लानर्स से, प्लानिंग इंजीनियर से मुलाकात होती थी, तो सर उनसे पूछा था इस बारे में, तो उन्होंने बताया था कि सर प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर है, तो ये सीखें, उसके अलावा स्किल्स सीखें, तभी आप प्लानिंग में आ सकते हैं। वैसे साइड फील्ड में बताता कोई नहीं है, सही बात है, बड़ा खुशकिस्मत है आपको बता दी है जी सर, ना? जी सीखने की भी सर, कोशिश की होगी वैसे आपने।
जी सर, पहले इसमें ट्यूटोरियल देखे थे तो सर, अभी ये कि नहीं, जो मैं क्या साथ काम करते हैं पूछे, उनसे नहीं पूछा कि यार मुझे सिखा दो? नहीं सर इतना तो नहीं कोई बताता। जी इतना नहीं कोई बताता आपको, पहले से पता है राइट? सर, क्यों नहीं बताते लोग? फहद मुझे बताएं, आप काफी मुझे एक्सपीरियंस लग रहे हैं और मंजे हुए लग रहे हैं, क्यों नहीं बताते लोग इतना? जनरली सर इंडस्ट्री में हर बंदा ये चाहता है कि दूसरा मेरी पोजीशन ना ले ले, तो अच्छा, सर इसी दूसरा मेरी वजह पोजीशन ना ले जाए। तो ये तो हमारा से। सिस्टम जो है ये तो स्कूल से नहीं शुरू होता? सर स्कूल से शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ आकर फिर लोग इस मामले में ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। फनी जी सर, वीडियोस के अंदर एक तंज होती है और एक उसके अंदर चोट होती है, और उसमें फन भी होता है। जैसे कि अभी मैंने वीडियो बनाई रिसेंटली, एक सीनियर है और एक जूनियर है। अब वो उसको सीनियर, वो हर कंपनी के अंदर ऐसे लोग बाबे होते हैं जो कंपनी बनती है तभी आ जाते हैं, और 50 50 साल वही उसको पता है कंपनी के किस कोने में कौन सी चीज पड़ी है। लेकिन वो नए आने वाले इंजीनियर को जरीन जरूर करते हैं कि डिग्रियों के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, जैसे आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर निकालते हैं गुस्सा के, डिग्री का कोई फायदा नहीं है। हालांकि बड़े डिग्री का बड़ा फायदा है, जिन बिल्डिंग्स के अंदर बैठ के हम काम करते हैं, इंजीनियर्स के पास बगैर बनाओ ना तो वो तो दूसरे दिन ही हो जाए, तो टेस्टिंग होती सब कुछ होता है। बहरहाल, बात करने का मकसद है, ये जो सीनियर्स होते हैं ना कुछ ये नहीं बताते। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मैं जब नई एक कंपनी ज्वाइन की ना, तो मैं ऑफशोर प्रोजेक्ट के अंदर था, अबू धाबी के अंदर मेरी पहली जो जॉब थी, तो वहां पे मुझे मेरे एक ना समझ लें कि होते ना यूनिवर्सिटी के सीनियर्स, तो वो मेरे से बात किया करते थे फोन पे, यार ये चीज सीखना वो चीज सीखना। तो मेरे पर अंदर पड़ा था यार ये मैं सीखूंगा। अब वो मेरे साथ काम तो करते नहीं थे, अब तो उस कंपनी के अंदर जो सीनियर मौजूद थे, जो मेरे सुपरवाइजर थे सीनियर थे, तो उनसे मैं जब पूछने की कोशिश करता तो उन्होंने कहा कहना नहीं इतना बड़ा, ये आहिस्ता आहिस्ता आएगा, ऐसे होगा। लेकिन मैंने एक दिन गौर किया कि जब भी काम सीखने का, मैं इंस्ट्रूमेंटेशन में था, ऑपरेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन में था ऑयल एंड गैस में, तो जब मैं वो काम सीखने का, पीसीवी कंट्रोल वाल्व होते हैं उनको कंट्रोल करने का टाइम आता ना, तो उसने मुझे कहना यार जाओ चाय पी के आओ अंदर। मैं ऑफशोर प्रोजेक्ट पे था, शिप पे होते थे हम लोग, तो मैंने बड़ा खुश होना, मैंने दुआएं देनी उसको, मैंने कहा यार ये कितना अल्लाह का नेक बंदा है कि यहाँ पे लोग रगड़ा लगाते हैं और ये मुझे चाय पीने के लिए अंदर भेज रहा है। और मैंने जाना बैठना, एक सिगरेट पीना, चाय पीनी और आराम से आना बाहर, वो ये सिलसिला 15 20 दिन चलता रहा। मैंने कहा यार ये बंदा कितना अच्छा है। अब ना दूसरा सुपरवाइजर आ गया, वो पाकिस्तानी इंडियन था शायद, ठीक है, तो वो आया, वो चाय पीने नहीं भेजता था। मैंने कहा यार ये कितना अजीब बंदा है, ये मुझे चाय पीने नहीं भेजता है, वो आदत डल चुकी थी। तो फिर उसने मुझे समझाया कि भैया वो इसलिए भेजता था कि तुम्हें काम ना आ जाए, समझ रहे हो, तुमने 2 दिन में पीसीवी सीख लिया तो तुम इंजीनियर हो। तो ये जो इंजीनियर होते हैं ना, यूईटी एनईटी, और ये बड़े तेज होते हैं, ये एक महीने में काम सीखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन का, फिर स्किल सीखकर हेड ऑफिस बैठ जाते हैं। तो ऐसा है कल्चर, या मैं इसलिए आपकी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे साथ हो चुका है ये। फिर मैंने वो दोबारा बताया ना, तो उसने 1 महीने बाद शिफ्ट चेंज हुई, तो वो फिर, मैं कह नहीं मैं चाय छोड़ दिया, कहता सिगरेट, मैं कह सिगरेट भी छोड़ दिया, कहता नहीं जाओ रोह वर रहा, अरबी में बोलते हैं रोह वर रहा, मतलब अंदर जाओ बैठो जाके, शरब शाही। जी मैं सर, कहा अभी भी माफी शाही, ठीक है। फिर उसको थोड़ी समझ आ गई कि पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी ऑब्वियसली यार, पाकिस्तानी और इंडियन जो है ना वो काम के कीड़े होते हैं, ये आपको जी यूएई सर, जाके ही पता चलेगा, अल्लाह ताला आपको वहां पे लेके जाए सबको, और अच्छे पैसे हैं ऑब्वियसली, ब्लेसिंग है, ये तो एक फैक्ट है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट, प्लीज जो जो बाकी रह गया, महताब अहमद, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, मेरा नाम महताब अहमद है सर, मेरी डिग्री है यूटी टेक्सला से, मास्टर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ठीक है, और है, करंटली अच्छा मैं एज ए प्लानिंग इंजीनियर सऊदी में काम कर रहा हूँ, अल इमामा कंपनी में, नियाम तो प्रोजेक्ट अच्छा, पे। तो तो ये इधर प्राइमरा के बगैर ही काम करते चले जा रहे हैं कि आता है आपको? नहीं, प्राइमरा लिया है और अब्दुल वाजिद के साथ, बी मेरे एस जूनियर है वो सी अब्दुल मिला। वाजिद, सी आर जी एम जी सी सी वो है, ठीक है, 2K7 के, ठीक है, मेरी यूनिवर्सिटी के है। जी, उसे आईटीओटी लवर से हैं, उनसे लिया था बीएससी के दौरान, थोड़ा बहुत नो हाउ था, मतलब यूट्यूब उनसे भी मतलब बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब डिफिकल्टी आ रही है जब ईओटी प्रोसीड करते हैं या फिर रीशेड्यूलिंग करते हैं या रिवाइज बेसलाइन करते हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि प्रॉपर एक गाइड के थ्रू ना एक पूरा प्रोसीजर ठीक अगर आप है, कर लें। हमारे यहाँ 2 तरह के कोर्सेज मैं ऑफर करता हूँ, एक ईपीसी प्लानिंग है और दूसरा ईओटी है, तो आपने दोनों में एनरोलमेंट की हुई है?
हाँ मैंने ये यूटी वाला तो आपने सेंड कर दिया मुझे लिंक, उधर से रिव्यू शुरू कर ठीक है दिया है। ओके और ओके मताब थैंक यू। इंशाल्लाह क्योंकि आइडिया हो जाता है बंदे को चीजों के मुतालिक, और आई वुड सपोर्ट ईओटी के अंदर भी जहां पे आपने दूसरे कोर्स में भी इनरोलमेंट करवाई है उसको अभी नहीं, अभी ना देखिए 6 5 6 लेक्चर कर ले, लेकिन अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उन चीजों को भी मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा ठीक है। सो वेलकम इंशाल्लाह वेलकम एंड इंशाल्लाह विश यू थैंक ऑल यू। द बेस्ट। आगे हमारे पास ताशीफ रसूल है, आप मुझे बताएं अपने बारे में, कहाँ से हैं, क्या करते हैं और क्या इरादे सलाम हैं सर, हमारे सलाम साथ। अलैकुम सर। मेरा सर मैं बेसिकली अभी फ्रेश ग्रेजुएट हूँ बड़ा प्यारा नाम है आपका बीसीए। यार, सबसे पहले ताशिफ, पहली दफा सुना है मैंने कि काशिफ है, नहीं सर ताशिफ ही है। हाँ बड़ा पहली दफा सुना है, माशाल्लाह जी। जी थैंक यू। अच्छा मैं यूसीपी से अभी फ्रेश ग्रेजुएशन मेरी हुई है अभी, और मैं जॉब कर रहा हूँ एज अ सिविल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, कंस्ट्रक्ट कंसल्टिंग आर्किटेक्ट एक फॉर्म है। और जाहिर है वहाँ पे मुझे इतना कुछ खास सीखने को मुझे इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि बस मैं कोऑर्डिनेशन का काम ही संभाल रहा हूँ। तो मैं आगे मैनेजमेंट में जाना चाह रहा था, तो इसलिए आपकी रील एक दिन मेरे सामने से गुजरी कि प्लानिंग और प्राइमावेरा जो है आप सिखाएंगे। तो जाहिर है इसका नाम तो जाहिर है मैंने सुना हुआ था, पिछले साल मैंने इसके ऊपर सर्च भी की थी और इसको सीखने की कोशिश भी की थी, तो खास मुझे कुछ समझ नहीं आया। और मैं इसके लिए ढूंढ रहा था कि मुझे कोई प्रोजेक्ट मिले तो फिर इसके ऊपर और मुझे कुछ सिखाने वाला हो, इसके बाद ही अच्छा मुझे इसकी समझ आएगी। तो जाहिर है फॉर्चुनेटली आपका जो है मैं ये करूंगा और आपके साथ प्रोजेक्ट भी करूंगा तो इंशाल्लाह मुझे समझ आएगी। ओके ओके दैट्स वंडरफुल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छी अच्छी चीजें सीखें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ सर, वो मैंने भी सर सिविल इंजीनियरिंग किया है और मैं इंडिया से हूँ, बिहार से। करेंटली आई एम वर्किंग हियर इन सऊदी अरेबिया इन लाइक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सर। सो ऑल द टाइम आई स्टे ऑन द साइट सर, सो आई डोंट वांट टू बी मोर टायर्ड, सो आई एक्चुअली डिसाइड टू अपग्रेड माई सेल्फ। सो आई सा टू विच फील्ड आई शुड गो, सो आई चूज बेटर टू गो फॉर प्लानिंग, बट देयर इज सर नो स्किल। सो On the LinkedIn also, they are showing you must have Primavera basics skills. So I scrolling on the YouTube and try to learn from there, but it was difficult to learn, sir, without any mentorship. So I chose your program. दैट्स अ मेजर पॉइंट। वी थिंक समटाइम्स के हम लोग थोड़े पैसे बचा लें बट बड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली। एक तरफ अवेयरनेस दे रहे होते हैं हम लोग और दूसरी तरफ ये बड़ा एक ना क्रिटिकल सिचुएशन होती है। मेंटोर मैंने भी जब सीखी है ये चीजें एक टाइम तक बहुत स्ट्रगल किया है, बट जब समझ आती है ना चीजें किसी के बताने से आती है, एक बंदा होना चाहिए। आई एम फ्रॉम और कराची पाकिस्तान, लिव इन कराची, ओके और मैं जो है वो एक कंसल्टिंग फर्म है डबल एसोसिएट्स। हम लोग डिज़ाइन करते हैं ब्रिजेस, हाईवेज और सीमेंट प्लांट, टेक्सटाइल्स। उसमें ओके मैं जबरदस्त, थोड़ा एज अ सीनियर एस्टिमेटर हूँ, तो ओ जबरदस्त, माशाल्लाह यहाँ पे मुझे 19 ईयर्स तो हो गए, 22 ईयर्स एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह। तो बस ये था कि हम लोगों की चीज़ों को कर तो लेते हैं, पकड़ लेते हैं जो प्राइमा वगैरह पे चीज़ें हमें शेड्यूलिंग भेजते हैं कॉन्ट्रैक्टर वगैरह ना, हाँ तो हमें पता होता है कि हमें कितने दिन में क्या काम करना है। सिर्फ बस मसला ये है कि एक्टिविटी को हम कैसे रिलेट करेंगे और जो उनकी रिसोर्सेज हैं वो बेसिकली उसके साथ को रिलेट कैसे होंगी कि मेरे कितने डोजेज इंटीग्रेशन, लगे हुए। जी हेलो, ठीक है इंटीग्रेशन आप समझे, ठीक है जी जी इंटीग्रेशन है, एस कर्व वगैरह की थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है कि क्या हो रहा है कहाँ पे क्या वो होगा, तो लेकिन पूरी उसमें नहीं है क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़े से इसकी हवाले से भी स्किल लें क्योंकि एस्टिमेशन में ये ज़रूरत पड़ती है ना। ठीक है। तो मेरी एस्टिमेशन की पूरी तकरीबन अच्छा खासा टाइम गुजरा हुआ है, हर चीज़ करी हुई है। ठीक तो है बाहर भी अगर मैंने स्विच करना है, यूएई या सऊदी में भी मैंने जॉब्स अप्लाई की, सर्च की हुई है, अप्लाई भी की हुई है, तो उसमें भी अच्छा यही आ रहा है कि प्राइमावेरा जो है वो आपकी स्किल्स में होने चाहिए। तो वो देखें इंशाल्लाह, आपकी तरफ से बहुत सारी वो हैं उम्मीद ठीक कि है, अल्लाह इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह आई विल बी जो कुछ है चीजें हैं जो इंडस्ट्री
की डिमांड होती है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। बहुत पैसे लगा के आप बाहर जाने की कोशिश करते हो, सो इट इज द राइट टाइम के आप जैसा देश वैसा भेस, ठीक है? मतलब समझे तो इस हो वक्त कि अगर अबू धाबी में जी जाना है, सऊदी अरब के अंदर जाना है, तो वहां पे मौजूद जी ऑलरेडी जो कंसल्टेंट हैं, कंपनीज हैं, उनका जी देखें पहले उनको कैसा बंदा चाहिए,